तुंदिये बादे मखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये ज़िंदगी की हकीकत है कि पहाड़ पे चढ़ना हो तो ग्रेविटी का सामना करना पड़ता है। यही ग्रेविटी फ्रिक्शन का बायस बनती है और हर कदम पे जोर लगता है, और अगर स्टेमिना ना हो तो इंसान जल्द थक जाता है। ये भी हकीकत है कि इंसान ज़मानो मकान का कैदी है, इसीलिए जल्द बददिल हो जाता है। वक्त जिसकी सिफ्त में तब्दील हो जाना है, इंसान इसे समझ नहीं पाता और इसीलिए जल्दबाज भी है और वक्त से पहले हर चीज़ पाना भी चाहता है, जबकि हर चीज़ वक्त पर मिलती है और जो चीज़ किस्मत में ना हो वो तो मिलती ही नहीं। ज़िंदगी में अगर कामयाबियाँ चाहते हैं तो फ्रिक्शन का सामना करना सीखना बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्शन का सामना यकीन और उम्मीद से किया जाता है, और यकीन और उम्मीद इंसान का अपने रब से ताल्लुक का नतीजा है। दुनियावी लिहाज से ईमान और यकीन के साथ साथ जल्दबाजी से इज्तनाब और अपना स्टेमिना बढ़ाकर उसे आखिरी वक्त तक के लिए बचाए रखना भी अशद ज़रूरी है। मुश्किलात इंसान की आजमाइश हैं, हर इम्तिहान के बाद प्रमोशन है, बस मुश्किलात को रहमत समझना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। बस सब्र और उम्मीद से सफ़र जारी रखो, यहाँ तक कि तुम्हारी किस्मत का वो दरख्शां लम्हा आ जाए। बेसब्री से और फ्रिक्शन की फ्रस्ट्रेशन की वजह से पैदा प्रेशर्स में ना उम्मीद कभी ना होना। याद रखो, अगर दुनिया, हालात और एहसासात तुम्हारे ख़िलाफ़ भी हों, तब भी तुम्हारा रब, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा खालिक तुम्हारे साथ है। सो इंतज़ार इंतज़ार करो, और बकौल मेरे वालिद साहब, डोंट टायर योरसेल्फ, टायर द माउंटेन।